गेट्स इट स्टार्ट। यहाँ से सही वाला थ्रिल स्टार्ट होता है। रात हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द चैनल एंड गुड मॉर्निंग फ्रॉम राजगढ़। सो अभी हम पाली विलेज के एंट्री से जा रहे हैं ऊपर, तो यहाँ पे पार्किंग है, पूरा एरिया पार्किंग का है। तो यहाँ पे गाड़ी पार्क की है और यहाँ से ट्रैक स्टार्ट होता है। चलो फिर लेट्स गो। सो अभी सुबह के 7 बज रहे हैं और अभी हमने ट्रैक स्टार्ट किया है, तो देखते हैं कि कितना वक्त लगता है। और स्टार्टिंग का पैच थोड़ा यहाँ पे स्टेयर्स तो नहीं है, बट ये ऐसा जंगल पैच है, आगे जाके भी स्टेयर्स आते हैं। सो लेट्स गो। तो अभी तक तो जंगल पैच ख़त्म नहीं हुआ है, ये पूरा जंगल पैच है। ये बहुत ही स्टीप पैच है, बट अच्छी बात ये कि हम सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग आए हैं, इसकी वजह से इतना टायर्ड फील नहीं हो रहा है अभी तक। वाओ, मस्त लुक है ये तो। थैंक यू। हमने सुबह ट्रैक 7 बजे स्टार्ट किया था, इसकी वजह से ठंड बहुत है और उसकी वजह से कुछ भी फील नहीं हो रहा है और हमारे नाक भी जैसे जम से गई है, तो बहुत ठंडा ठंडा लग रहा है, इसलिए कान भी पैक कर लिए मैंने। यहाँ पे कुछ ऐसे पैच बने हुए हैं, बारिश में बहुत दिक्कत हो सकती है चढ़ने के लिए और उतरने के लिए भी। थोड़ा ऊपर आने के बाद यहाँ पे पीछे तोड़ना फोर्ट है और जो उस पर धूप आ रही है उसके वजह से एक गोल्डन टच आ गया है उसको, बहुत ही खूबसूरत दिख रहा है। और नीचे थोड़े थोड़े क्लाउड्स है और सुबह आने का मज़ा ही कुछ और है। तो अभी हमने जंगल पैच कंप्लीट कर लिया है, वो बारिश में बहुत डिफिकल्ट होता है क्योंकि यहाँ की मिट्टी बहुत रेड है, तो बारिश की वजह से तब चढ़ने के लिए और उतरने के लिए बहुत डिफिकल्ट हो सकता है ये रास्ता। सो पतिदेव, आपको कैसा लग रहा है ये? अभी जंगल पैच ख़त्म होने के बाद ये स्टेयर्स वाला पैच चालू होता है, तो यहाँ पे पूरा ओपन है, तो उसके वजह से मस्त हवा आ रही है और यहाँ से व्यू भी बहुत अच्छा है। तो अब देखो, अभी व्यू दिखाते हैं आपको कैसा है यहाँ पे। सो यहाँ पे जंगल पैच ख़त्म होता है, यहाँ से स्टेयर स्टार्ट होती है और ये सामने तोड़ना होता है। सो फाइनली हम पाली दरवाज़ा तक पहुँच चुके हैं, ये यहाँ का पहला एंट्रांस है और यहाँ तक आते आते हमें 1 घंटा या 1.25 घंटा लग गया है। सो अभी धूप कम है इसलिए इतना फास्ट आ गए हम। चलो अभी आगे जाते हैं। अच्छा, कैसा लग रहा है अभी ऊपर आकर? यहाँ तक आते आते पूरी हालत टाइट हो गई है और ऊपर से ठंडी। पाली दरवाजा से ऊपर आते ही एक ये सेकेंड एंट्रेंस है जो कि बहुत बड़ा द्वार दिख रहा है, जैसे कि महादरवाजा हो, और ये दरवाजा अभी भी अच्छी कंडीशन में है। सो यहाँ पे सदर का एरिया है, मतलब ऊपर आते ही ये सदर है, बट हमने डिसाइड किया है कि पहले पाली किला जाएंगे और उसके बाद ये वाला पैच देखेंगे, उसके बाद यहाँ पे आगे जाके सुगड़ा माची है तो वहाँ भी जाएंगे। तो अभी पहले पाली किला चलते हैं ऊपर, लेट्स गो देयर। ये रास्ता संजीवनी माची की तरफ जाता है, इसकी तरफ हम बाद में जाएंगे क्योंकि धूप बढ़ जाएगी, तो अब हम बाले किला की तरफ जा रहे हैं। ये रास्ता बाले किला की तरफ जाता है और यहाँ से अभी चढ़ाई स्टार्ट हो रही है और ये वाला पैच बहुत ही स्टीफ है ऐसा लग रहा है। और यहाँ से सही वाला थ्रिल स्टार्ट होता है राजगढ़ का, यहाँ से बहुत ही स्टीफ पैचेस है आगे तक। तो अच्छा है कि यहाँ पे एक साइड में रैलिंग लगाई है। तो चलो, सिर्फ गोप्रो ही हाथ में रखा है, DSLR तो हमने बैग में रख दिया है क्योंकि उसको कैरी करके यहाँ से चढ़ ही नहीं सकते। वो भी क्या है? क्या गाड़ी? तो पे? आ।
तो ये बाले किला का दरवाज़ा आ चुका है, बट यहाँ तक आने का, यहाँ से नीचे वाला जो भी पैच है वो बहुत ही डिफ़िकल्ट है, तो प्लीज़ संभाल के आइए। तो अभी चलो ऊपर जाते हैं। और ये रहा बाले किले का महादरवाज़ा। बहुत कठिनाइयों का सामना करते हुए हम यहाँ तक पहुँचे। बाले किले के महादरवाजे से यहाँ से जो नज़ारा दिखता है ना, वो मतलब बोल ही नहीं सकते, इतना खूबसूरत है और इतना फोटोजेनिक जगह है ये। तो हमारा इंस्टाग्राम ज़रूर चेक करना कि यहाँ से फ़ोटो कैसे आते हैं, बहुत ही खूबसूरत है। हाँ, सो यहाँ पे जननी मंदिर है दरवाज़ा से ऊपर आते ही। कुछ ऐसा है, आई थिंक यहाँ पे सो भी सकते हैं। हम टॉप ऑफ द फोर्ट आ चुके हैं, तो यहाँ पे छत्रपति शिवाजी महाराज जी का वाड़ा है, जिसके अभी एक प्रकार हम कह सकते हैं कि अवशेष ही है। और यहाँ पे भी बहुत सारा कंस्ट्रक्शन है, बट सब डैमेज हो चुका है। बट हम ऐसी जनरेशन है, हमें कुछ तो देखने को मिल रहा है। आगे की जनरेशन को कितना देखने को मिलेगा क्या पता, बट बहुत ही अच्छा पॉइंट है ये। आप अगर राजगढ़ आ रहे हो तो बाले किला ज़रूर आना। तो ऊपर आते वक्त एक टाइम ऐसा आ गया था, तो मुझे थोड़ा हाइट से डर लगता है तो कि ऊपर जाए ही ना, क्योंकि बहुत सारे डिफिकल्ट पैच है बाले किला आते वक्त। बट ऊपर आके इतना सुकून मिल रहा है ना कि क्या बताओ, बहुत अच्छा लग रहा है ऊपर आके। और जो मैंने हिम्मत दिखाई ऊपर आने के लिए, तो अभी मुझे लग रहा है कि आई डिड अ गुड जॉब। सो चलो अभी थोड़ा आगे जाके ऊपर का पूरा एरिया देखते हैं, फिर नीचे जाएंगे। तो यहाँ से नीचे संजीवनी माची दिख रहा है। हम अभी बाले किला से थोड़ा नीचे आए थे, यहाँ पे एक बुरुज है और यहाँ से ये नीचे संजीवनी माची है, जो नीचे हमने रास्ता दिखाया था वहाँ से रास्ता जाता है। देखते हैं कि वहाँ पे जाएंगे या नहीं, क्योंकि बहुत बड़ा फोर्ट है, कितना टाइम है वो भी देखना पड़ेगा। सो ये जो संजीवनी माची है, ये सनसेट पॉइंट के लिए बहुत ही फेमस है, तो यहाँ से सनसेट बहुत ही अच्छा दिखता है। तो आप अगर कभी यहाँ पे स्टे के लिए आओगे या थोड़ा लेट आओगे, तो आप वहाँ पे देखने के लिए जा सकते हो। सो बाले किला से नीचे आते वक्त हमने कैमरा रख दिया था, क्योंकि उतरने में थोड़ा डिफ़िकल्ट पैचेस है वहाँ पे। तो अभी हम सदर का एरिया है, जो अभी आपने देखा होगा, वहाँ पे आए हैं। और ये मेरे पीछे अंबर खाना है, और यहाँ पे एक तालाब भी है नीचे। और यहाँ का जो सदर का एरिया है वो हम अभी पूरा एक्सप्लोर करेंगे, उसके बाद फिर सुवेड़ा माची जाएंगे। सो ये सदर से नीचे आते ही यहाँ पे पद्मावती मंदिर है, वहाँ पीछे रामेश्वर मंदिर है। और ये जो यहाँ पे दिख रहा है, ये सही भाई जी की समाधि है। तो अभी सदर से नीचे आके हम यहाँ पे ये राजवाड़ा टाइप बना रहे हैं यहाँ। तो यहाँ पे हम बैठे हैं और कुछ तो खा रहे, घर से लड्डू लाया था, चॉकलेट लाया था, बिस्किट लाया था, वो खा रहे, क्योंकि यहाँ पे खाना मिलता है, बट अभी तक वो आए नहीं है खाना बेचने के लिए। तो अभी देखते हैं कि आप यहाँ पे घूम के फिर उधर जाएंगे और खाना खाएंगे, और एप्पल भी है, तो देखते हैं क्या क्या खा सकते हैं। और यहाँ की एक अच्छी बात है कि जैसे ये आप कंस्ट्रक्शन देख रहे हो, ये नया बनाया जा रहा है, तो जो गढ़ किला संवर्धन का काम होता है तो वो यहाँ पे अच्छी तरह से चालू है। यहाँ पे बहुत सारे स्टेयर्स भी बनाए हैं, बहुत सारा मतलब काम चल रहा है, तो फोर्ट दिखने में भी अच्छा दिखता है। तो यहाँ पे आते आते 7 बज चुके थे, तो हम सुबह ट्रैक स्टार्ट करने की वजह से ऊपर आने में कोई तकलीफ नहीं हुई, मस्त ठंडा मौसम था, तो बहुत ही अच्छे से ट्रैक हो गया है। तो आप भी ट्राई करो कि सुबह जल्दी आओ, और अगर आप जल्दी आओगे तो यहाँ पे भीड़ भी बहुत ही कम होती है। और ट्राई करो कि आते सही बाले किला देख के आओ, क्योंकि वहाँ पे वन वे ट्रैफिक हो जाता है फिर 10-9 बजे के बाद में। तो पहले बाले किला, देन पूरा फोर्ट देख। तो ये एक तालाब है और ये सामने चोर दरवाजा का एंट्री पॉइंट है।
तो यहाँ से सदर से आते ही ये रास्ता था जो कि बाले किले की तरफ जाता है, और यहाँ से एक रास्ता है जो कि सुवेड़ा माची की तरफ जाता है। तो अभी चलो सुवेड़ा माची जाते हैं। तो फाइनली ये थोड़ा जंगल वाला पैच आ चुका है, तो बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि बहुत ही छाव है, पीछे बहुत धूप था। अभी हम चिलकती ब्रिज पे खड़े हैं और ये सामने रही सुवेड़ा माची। तो यहाँ से एक अच्छा व्यू आता है सुवेड़ा माची का, और यहाँ पे सामने एक नीडल पॉइंट है, अभी यहाँ पे ही तो हम वहाँ पे जाएंगे, और उसके पीछे हाथी है। तो यहाँ से ऊपर जाकर एक नेडे पॉइंट है, या आप नीडल पॉइंट भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे बड़ा सा होल है, तो वहाँ से एक अच्छा व्यू आता है उस साइड का भी और इस साइड का भी, तो थ्रू आउट होल है इसके वजह से बहुत अच्छा दिखता है। थोड़ा यहाँ से संभाल के चढ़ना, और अगर बंदर हो तो भी संभाल लेना। ये यहाँ पे ही नीडल पॉइंट है, और यहाँ से आगे आती ये यहाँ पे हाथी जैसा एक शेप दिखता है पत्थर का। अभी हम यहाँ पे बैठे हैं। यहाँ से आगे सुवेड़ा माची की तरफ जाता है रास्ता, बट अभी इतनी हालत ख़राब हो गई है कि भूख लगी है, तो हमने स्किप करने का सोचा है। अभी रिटर्न जाएंगे और कुछ तो खाना खाएंगे। सो फाइनली हमने मन बना लिया है कि इतने दूर आए हैं तो सुवेड़ा माची भी देख लेंगे, तो अभी उधर ही जा रहे हैं। और यहाँ से ये सुवेड़ा माची स्टार्ट होता है, बहुत सारे बंदर है, तो प्लीज़ टेक केयर। सो सुवेड़ा माची और चिलकती ब्रिज देख के हम अभी सदर के पास आ चुके हैं। हाँ, तो एक बात ध्यान में रखो कि यहाँ पे पीने के लिए पानी और खाने के लिए कुछ भी नहीं मिलता है। पहले मिलता था बट अभी बंद कर दिया है। तो ट्राई करो कि हमने लगभग 4 लीटर पानी लाया था, वो पूरा ख़त्म हो गया है, और अभी धूप भी सर पे आ चुकी है तो ज़्यादा पानी लगता है। तो ट्राई करो कि पानी ज़्यादा लेके आओ। ओके, चलो अभी नीचे जाएंगे, क्योंकि संजीवनी माची तो हम अभी जा नहीं सकते क्योंकि पेट में सुबह से कुछ नहीं है, वो हल्का सा नाश्ता किया था वही है, इसीलिए संजीवनी माची का प्लान ड्रॉप कर दिया है, अभी सीधा नीचे जाएंगे। सो अभी टाइम हो रहा है 12:30, हमने डिसेंट ट्रैक स्टार्ट कर दिया है। हमने सिर्फ एक ही जगह छोड़ दी संजीवनी माची, बाकी पूरा फोर्ट देख लिया। इट्स अ मैसिव फोर्ट, बहुत इधर उधर जाना पड़ता है, तो अभी हालत नहीं है। चलो नीचे देखते, नीचे ही मिलते शायद। अभी हमारा डिसेंट ट्रैक ख़त्म हो गया है, लगभग नीचे आते आते 1 घंटा लग गया, और ये भी एक जगह गिर गई, मैं भी गिर गया, मतलब स्लीप हो गए। तो ट्राई करो कि अच्छे शूज़ पहनो जिसको अच्छा ग्रीप हो। गाइस, सब्सक्राइब अवर चैनल, वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल। दैट्स इट फॉर द डे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, एंड कमेंट डाउन बिलो योर थॉट्स। विद दैट सेड, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। सो सी यू इन अवर नेक्स्ट वन। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर, और घूमते रहो। धन्यवाद, बाय। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द चैनल। बस मी और बोलना। And see the sun, side by side our fears are done.